हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन की जो ट्रेड है वो फाइनल हो चुकी है। मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, लेकिन इसके बाद यहाँ पर ये ट्रेड से किंग्स इलेवन पंजाब को क्या फर्क पड़ा है, दिल्ली कैपिटल्स को क्या फर्क पड़ा है, किस तरह से दोनों ही टीमों ने काफी बड़ी बेवकूफी की है अश्विन का ट्रेड करके, यही सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात इन दोनों टीमों के पर्स मनी की भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर दोनों ही टीमों को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है आईपीएल 2020 में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी होने वाली है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो आप चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब और उसके साथ ही आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हो जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहां पर रविचंद्रन अश्विन का जो ट्रेड कंप्लीट हुआ है दिल्ली कैपिटल्स के साथ, उसके बदले में यहां पर किंग्स इलेवन पंजाब को दो चीजें मिली है। सबसे पहला है 1.5 करोड़ रुपए उन्हें मिले हैं और दूसरी चीज है उन्हें यहां पर जगदीश सुचित मिले हैं जो कि लेफ्ट आर्म यहां पर स्पिनर है। तो ऐसे में यहां पर किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स दोनों की साइड से हम इसका एनालिसिस करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। अब दिल्ली कैपिटल्स ने यहां पर रविचंद्रन अश्विन को लिया, उसके बदले में उन्होंने अपने एक ऐसे स्पिनर को दिया जिसको बहुत ज्यादा चांसेस नहीं मिले और उसके बदले में उन्होंने दिए 1.5 करोड़, जो कि कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन ऐसे में एक चीज यहां पर नोटिस करने वाली है कि दिल्ली कैपिटल्स जब अश्विन को ले चुकी है तो अश्विन को उन्हें 7.6 करोड़ रुपए ही देने पड़ेंगे। अब यहां पर दिल्ली कैपिटल्स यहां पर अगर पर्स मनी की बात की जाए तो उसमें नंबर वन पर चल रही थी, लेकिन अश्विन को लेने के बाद यहां पर उनको अश्विन को ही यहां पर 8 करोड़ के आसपास देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अश्विन को इतने सारे पैसों में खरीदने का एक ही मतलब हो सकता है और वो ये है कि अश्विन यहां पर सारे के सारे मैच खेले। लेकिन अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर्स का लाइनअप देखोगे तो इन्होंने यहां पर इससे पहले मयंक मार्कंडे को भी ट्रेड किया था यहां पर, उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन भी आ गए, इनके पास अमित मिश्रा भी है, संदीप लामिचा ने, अक्षर पटेल और राहुल तिवातिया, मतलब इनके पास यहां पर 6 स्पिनर हो चुके हैं। और ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली कैपिटल्स आखिर इतने स्पिनर्स को जमा कर क्यों रही है। और लास्ट सीजन में भी हमने देखा था कि संदीप लामिचा ने जैसा क्वालिटी स्पिनर यहां पर टीम से बाहर बैठा हुआ था। तो ऐसे में इतने सारे स्पिनर्स को लेकर अगर ये लोग जा रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा इनके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स आपने रख तो लिए तो आप उनको खिलाओगे कहां पर, ये इनके लिए काफी बड़ा सरदर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रविचंद्रन अश्विन की, तो जैसे मैंने इस वीडियो में पहले बोला कि उनका प्राइस यहां पर 7.6 करोड़ है और ऐसे में इतना बड़े प्राइस पर अगर उन्हें खरीदा गया है तो ऑब्वियसली भाई अश्विन तो खेलने ही वाले हैं और उसके साथ मयंक मार्कंडे भी खेलेंगे, तो फिर क्या संदीप लामिचाने बाहर होंगे, क्या अक्षर पटेल बाहर होंगे, अमित मिश्रा बाहर होंगे, आखिर इन प्लेयर्स का होगा क्या। ये यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी बड़ा सरदर्द रहने वाला है। अब हम यहां पर दूसरी साइड की भी बात करते हैं और दूसरी साइड पर आती है किंग्स इलेवन पंजाब। मतलब इस डिसीजन को देखकर ही आप लोग समझ सकते हो कि पंजाब के मैनेजमेंट ने क्या किया है। इससे पहले भी आईपीएल के जितने सीजन हुए उसमें पंजाब के मैनेजमेंट के ऊपर हमेशा उंगली उठती रहती है कि ऑक्शन में ये लोग बिना दिमाग के बैठे रहते हैं, उसके अलावा इनकी ट्रेडिंग काफी खराब रहती है और यही वजह है कि इनकी टीम यहां पर काफी खराब हो जाती है। ऐसे में जब इन्होंने अनिल कुंबले को अपने साथ जोड़ा था तो हमें लगा था कि शायद अनिल कुंबले ट्रेड को रुकवा दें और वो यहां पर कोई अच्छा डिसीजन ले पाए, लेकिन जिस तरह का इन्होंने डिसीजन लिया है अगर आप उसको सीधे सीधे देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। सबसे पहली चीज तो यहां पर रविचंद्रन अश्विन काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे और अश्विन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो परफॉर्मेंस उन्होंने खराब नहीं दी थी, क्योंकि पंजाब की टीम ही ऐसी नहीं थी कि वो यहां पर कुछ ज्यादा डिलीवर कर पाती। इसके अलावा अगर हम अश्विन की कैप्टनसी देखें तो इतना खराब नहीं था पंजाब का परफॉर्मेंस, हालांकि वो 6th और 7th नंबर पर आए लास्ट के 2 ईयर्स में, लेकिन लास्ट के 2 सालों में आईपीएल का कॉम्पिटिशन लेवल काफी ज्यादा था और ऐसे में जो भी टीम्स थी उनके बीच का डिफरेंस यहां पर काफी कम था पॉइंट्स में, मतलब कोई भी टीम अंदर बाहर हो सकती थी। तो ऐसे में सिर्फ अश्विन को इस वजह से निकाल देना बिल्कुल भी समझ के बाहर है। और इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें कि उन्होंने अश्विन के बदले लिया किसको है, तो वो है यहां पर जगदीश सुचित, ना कि कोई बहुत बड़ा नाम है और ना ही उन्होंने कुछ ऐसा अभी तक कमाल किया है, यहां तक कि दिल्ली कैपिटल्स ने भी उनको चांसेस नहीं दिए। तो ऐसे में जगदीश सुचित को लेना और अश्विन जैसे प्लेयर के बदले में सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए यहां पर लेना, ये यहां पर बिल्कुल ही खराब डिसीजन है। मतलब इससे तो बेटर रहता कि आप अश्विन को रिलीज कर देते और उसके बाद उन्हें ऑक्शन में कम प्राइस पर खरीद देते, लेकिन यहां पर अश्विन जैसे बड़े प्लेयर को इस मोमेंट पर बाहर करना जबकि उनकी टीम को यहां पर रिकंस्ट्रक्शन की सख्त जरूरत है, तो पंजाब का भी डिसीजन समझ के बाहर है। तो ये मैंने आपको पर्सपेक्टिव बता दिया कि किस तरह से दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब दोनों की साइड से काफी बड़ी गलतियां हुई हैं इस नीलामी में इस ट्रेड को लेकर। तो देखना होगा किस तरह से आगे ये लोग प्रोसीड करते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कमेंट करके आप लोग मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आप लोग क्या सोचते हो कि ये क्या चल रहा है, मतलब किंग्स इलेवन पंजाब की साइड से भी और दिल्ली कैपिटल्स की साइड से भी क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि शायद हमसे मिस हो रहे हैं और जिनको सोचकर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।